रूस के नुकसान पर यूक्रेन का क्या दावा? अभी तक यूक्रेन ने क्या क्या दावा किया है कि आखिर रूस को कितना नुकसान यूक्रेन की सेना ने पहुंचाया है? यूक्रेन का सबसे बड़ा दावा है कि अभी तक 13,800 सैनिकों को रशियन आर्मी को मार गिराया गया है, साथ ही 1375 यानी 1375 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह कर दी गई हैं, 440 टैंक को भी नुकसान पहुंचा है यूक्रेन की मिलिट्री ने, और 70 MLRC को भी नुकसान पहुंचाया गया है, 640 वाहन, 60 ईंधन टैंक, 108 हेलीकॉप्टर, 36 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये सब कुछ तबाह कर दिया गया है। साथ ही 11 UAV को भी नुकसान पहुंचाया गया है। 16 मार्च का ये आंकड़ा है जिसे लगातार कहा जा रहा है यूक्रेन की ओर से कि हम भी पलटवार कर रहे हैं और रूस को करारा जवाब दिया जा रहा है। ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि अभी तक 13,800 जवानों को मार गिराया गया है। हमारे साथ लगातार गेस्ट भी जुड़े हुए, यश मोर साहब हमारे साथ जुड़े हुए। सर, यूक्रेन की जो सेना है वो लगातार जवाब दे रही है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 21 दिनों में ये युद्ध पहुंच चुका और अभी तक पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकामयाब है रशियन मिलिट्री, क्या वजह आप इसकी मान रहे हैं? और अब जो नए चार प्लान के साथ आगे बढ़ रही है रूस की सेना, आपको लगता है कि कीव और खार्किव पर इस नए प्लान के साथ कब्जा करने में रशियन मिलिट्री कामयाब हो पाएगी? देखो अंजलि, मुझे जो लग रहा है कि 21 दिन हो गए हैं और इससे एक चीज तो बड़ी साफ है कि रशिया ने बहुत बुरी तरीके से मिसकैलकुलेट किया था और जो भी अभी तक इनका हुआ अपने प्लान से कुछ भी नहीं चला है, ना इनकी फोर्सेस कैप्चर कर पाई हैं सिटी सेंटर, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की वो नहीं फॉल हुआ, आसपास भी नहीं है, इनकी 64 किलोमीटर कॉन्वॉय जो है 12 दिन तक शहर के बाहर खड़ी थी, अब उन्होंने फैलना शुरू किया क्योंकि उनके ऊपर जबरदस्त अटैक हो रहे हैं चारों तरफ से, इनके जो लॉजिस्टिक्स है वो इतनी खराब है कि इनकी बहुत सी गाड़ियां जो है या तो इंजन फेल हो गए हैं या उनमें फ्यूल नहीं है क्योंकि लॉजिस्टिक कॉलम पहुंच नहीं पाए, कमांड एंड कंट्रोल की हालत ये है। साहब, कहा ये जाता है कि हथियारों से ज्यादा हौसलों से जीती जाती है जंग, और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के हौसले की तो तारीफ हो ही रही है, लेकिन नेटो मुल्कों की तरफ से जो मदद यूक्रेन को दी जा रही है, जो हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, जो सैन्य उपकरण दिए जा रहे हैं और जिस तरह की आर्थिक मदद की जा रही है, वो कितना बड़ा रोल निभाती हुई इस वक्त नजर आ रही है रूस को टक्कर देने में? देखो दोनों चीजें हैं, एक तो पूरी दुनिया का मॉरल सपोर्ट है यूक्रेन के साथ, मैंने कम से कम पहली बार वर्ल्ड वॉर टू के बाद ऐसा देखा है कि पूरी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया एक तरफ है अगेंस्ट रशिया, तो जो इकोनॉमिक सैंक्शन है उनका बहुत जबरदस्त असर हो रहा है और बहुत डिमोरलाइजिंग है पुतिन के लिए और उसकी आर्मी के लिए, उसके लोगों के लिए। दूसरी तरफ क्या है, जो आसपास के देश हैं वो रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहां से फाइटर्स अंदर आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में एंटी टैंक वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में स्नाइपर्स आ चुके हैं, फॉरेन फाइटर्स आ चुके हैं, तो ये सब जो है काफी यूक्रेन में जो लोग डटे हुए हैं नौजवान जिन्होंने निश्चय किया कि हम अपनी सरजमी के लिए लड़ेंगे, उनका काफी हौसला जाहिर है। यशपुर साहब, हौसले को तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इतना नुकसान भी पहुंचा है यूक्रेन को, 10 लाख से भी ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ करके जा चुके हैं और यूएन का आंकड़ा तो यह कहता है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, उसके बावजूद जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लड़ेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।